वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एक नए ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। सो ये ब्लॉग है मेरा शॉपिंग ब्लॉग। एक्चुअली शॉपिंग तो मैं करके आ चुकी थी, बट देन आई थॉट कि अब मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देख सकते हैं आप, ये मैं शॉपिंग करके आई थी और मैं सेंट्रल मार्केट गई थी, क्योंकि मैंने सेंट्रल मार्केट का ब्लॉग ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैं आपको लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मैंने ये हील्स ख़रीदी थी, प्लेटफॉर्म हील्स। सो मैं काफ़ी टाइम से इस तरीके की हील्स मतलब देखना चाह रही थी, बट थोड़ी रीज़नेबल रेट्स में। तो मुझे ये स्टेलेटोस लाजपत नगर में एक शोरूम है, तो वहाँ से मैंने ये ले लिया। अब आपको इसके साथ एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने एक्चुअली ये ब्लैक पसंद की थी, बट फिर मैंने सोचा पहले मैं और कहीं देख कर आ जाऊँ। तो जब मैं वापस आई तो वो ब्लैक सेल हो चुकी थी, तो मुझे ये पिंक लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे इसकी स्टाइलिंग और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आई थिंक ये 599 रुपीज़ की मुझे मिली थी। और साथ में मैंने ये ड्रेसेस ख़रीदी थी, ये मैंने इंसेंस से ख़रीदी थी। मैं अगर वेस्टर्न और इस तरीके कपड़े मैं ज़्यादातर इंसेंस से ही ख़रीदती हूँ। तो ये मैंने ड्रेस ख़रीदी थी, ये ड्रेस मैंने पहनी है जब मैं दिवाली मेला में गई थी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका लुक किस तरीके से आ रहा था। ये काफ़ी अच्छी एकदम लूज़ फिट में थी, और इसमें अगर आपको फिटिंग चाहिए तो आप इसको बेल्ट के साथ पेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं मुझे एक ये ब्लू फ्लोरल प्रिंट की ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसको मैंने अभी तक पहना नहीं है, बट मैं सिर्फ परचेज़ कर लिया था मैंने, अगर मुझे कहीं जाना पड़े इन केस, तो एक्स्ट्रा में रखी होनी चाहिए ना ड्रेसेस। सो ये देखें, इसकी फुल स्लीव्स है। मैं आई वेयर फुल स्लीव्स ओनली, मैं हाफ स्लीव्स नहीं पहनती हूँ। तो देखें, इसमें ऐसे इलास्टिक है। ये बहुत ज़्यादा कम्फी ड्रेसेस हैं, मैक्सी ड्रेसेस हैं। और एक थर्ड मैंने ये ख़रीदी थी, मैं काफ़ी टाइम से इस नेक की स्टाइल की फ्रॉक ढूंढ रही थी, बट मुझे मिल नहीं पा रही थी। बट इसको आप देखेंगे ना, आपको भी बहुत पसंद आएगी। देखिए, और इसका कलर भी मुझे बहुत ही, मेरा फेवरेट कलर है। देखिए, इस टाइप से मैं ऐसे फ्रिल लगा हुआ नेक ढूंढ रही थी। इसका लुक बहुत अच्छा आता है जब पहनते हैं ना। तो ये देखिए, इसमें ऐसे बटन्स हैं, 4-5 बटन्स हैं, और ऐसे ये स्लीव्स हैं इसकी फ्रिल वाली, गले पर भी फ्रिल लगा हुआ है। तो ये काफ़ी यू नो स्मार्ट लुक दे रही थी। इसको पहनकर भी बहुत मज़ा आ रहा था, एकदम यू नो कंफर्टेबल, सो कंफर्टेबल इट वाज। तीनों ही ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल थी। इसके बाद मुझे एक जीन्स ख़रीदनी थी, तो मुझे मैंने ये ब्लू जीन्स ख़रीदी थी, और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी, मैंने ट्राई करके ख़रीदी थी। और इसके रेट्स मुझे याद नहीं आ रहे, आई थिंक ये मुझे 1100 के अराउंड पड़ी थी शायद से, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और ये क्लचर मेरे बहुत खोते हैं, बहुत टूटते हैं, तो मैंने ये सोचा एक दो क्लचर भी ख़रीद ही लूँ। सो ये था मेरा मिनी शॉपिंग हॉल। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई कंटेंट के साथ। बाय, थैंक यू।